नमस्कार, आप लोग का फाइनली यहाँ पर स्वागत है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी कैडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सामान्य ज्ञान के हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो सुप्रभात के साथ भाई क्लास को स्टार्ट किया जाए। सभी को भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। तो भाई क्लास शुरू किया जाए, है ना। चलो भाई फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और क्लास को स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग सभी को भाई। तो भाई यहाँ पे देखेंगे अब जो है पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगाया जा रहा है भाई। पहला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर। तो पहले प्रश्न का जवाब फटाफट सभी लोग दीजिए। चलो भाई फास्ट पहले प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिए फटाफट। तो अगर पहले प्रश्न के राइट आंसर की बात की जाए तो 1972 जो है यहाँ पे राइट आंसर है इसका आपको ध्यान। 1972 में जो है पाकिस्तान और भारत के मध्य जो है शिमला समझौता हुआ था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, पाकिस्तान और भारत के मध्य जो है शिमला समझौता हुआ था, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, तब वही जो है LOC का निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई। दूसरा प्रश्न क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। जयशंकर प्रसाद की इनमें से रचना कौन सी है। तो जयशंकर प्रसाद की अगर रचना की बात की जाए तो आंसू यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचना। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जो है किसकी रचना है, एक किसकी रचना है, एक किसकी रचना है, सभी आपको पता रहना चाहिए। ये भाई तुलसीदास, ये हमारी साखी सबद रमैनी कबीरदास, और उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया। चलो भाई फटाफट सभी लोग इसका जवाब दीजिए। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का नियम जो है किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, आयरलैंड के संविधान से हमने ये चीज़ें ली हुई हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भाई अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथा प्रश्न, अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया था। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। अगस्त प्रस्ताव जो है भारत को कब लाया गया था, यानी भारत की आज़ादी की तरफ एक कदम जो बढ़ाया गया था वो कब लाया गया था। भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है, तो यहाँ पे जो है 8 अगस्त 1940 था वो दिन था जब अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था कि जो भारतीय हैं उनको जो है विश्व युद्ध में, द्वितीय जो विश्व युद्ध है उसमें शामिल किया जाए और उसके बाद जो है भारत को आज़ादी दे दी जाएगी, इसलिए जो है अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन जो है भारतीयों द्वारा इसको प्रस्ताव को जो है इनकार कर दिया गया कि भाई हम जो है उसमें शामिल नहीं होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, पांचवा प्रश्न, वर्तमान BCCI के अध्यक्ष कौन है, यानी वर्तमान में जो है BCCI के अध्यक्ष, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई सौरभ गांगुली जी इस समय जो है वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। मनोज सहनी जो ICC के अध्यक्ष हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष मनोज सहनी को बनाया गया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सौरभ गांगुली वर्तमान में है। रवि शास्त्री जो है वर्तमान में भारतीय टीम के कोच हैं, मुख्य कोच जो हैं रवि शास्त्री हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, मुख्य कोच जो हैं रवि शास्त्री हैं। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, छठा प्रश्न, उत्तर प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है।
तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है कौन सा है, महोबा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, महोबा जो है यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई आ रहा है, निम्न में से अंतरिक्ष में जाने पर पृथ्वी पर क्या दिखाई देता है। अच्छा, इन निम्न में से अंतरिक्ष में जाने पर पृथ्वी पर क्या दिखाई देता है। चलो भाई इसका जवाब दीजिए सभी लोग। वही अंतरिक्ष में जाने के बाद एक ही चीज़ केवल दिखाई देती है पृथ्वी, वो क्या है, चीन की महान दीवार। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, चीन की महान दीवार जो अंतरिक्ष में जाने पर यही केवल दिखाई देती है। और जब राकेश शर्मा से पूछा गया था कि भारत कैसा दिख रहा है, तो राकेश शर्मा ने जवाब दिया था कि सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा जो है इनके द्वारा ये जवाब दिया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न भाई आपके सामने आठवां प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था। चलो भाई बंगाल विभाजन कब हुआ, इसका जवाब आप लोग फटाफट दीजिएगा। तो भाई बंगाल विभाजन की अगर बात की जाए तो कब हुआ था भाई, यहाँ पे देखिए जो घोषणा हुई थी, एक घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को हुई थी, ये घोषणा कर दी गई थी। लेकिन जो अलगाव हुआ वो कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को जो ये अलगाव हुआ था, यानी ये अस्तित्व में कब आया, तो 16 अक्टूबर 1905 को। अस्तित्व में कब आया, तो 16 अक्टूबर 1905 को। राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। ठीक है, 19 जुलाई 1905 जो एक घोषणा का दिन था कि इस दिन घोषणा कर दी गई थी बंगाल का विभाजन कब होगा, लेकिन जो हुआ वास्तव में कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को जो है हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने भाई नौवां प्रश्न, नौवां प्रश्न क्या है, आंतरिक ग्रह कौन सा है। आपके सामने जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से बताना है कि, अच्छा, यहाँ पे देखिए नीचे वाली इंग्लिश जो है गलत है भाई, इनर प्लानट की बात की जा रही है, विच इज दी इनर प्लानट, विच इज दी इनर प्लानट की बात की जा रही है, इसका ध्यान होगा इंग्लिश जो यहाँ पर गलत है। तो भाई राइट आंसर अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, देखिए शनि भी बाह्य ग्रह है, वरुण भी बाह्य ग्रह है, शुक्र जो कि इनर ग्रह है, आंतरिक ग्रह है, तो हमारा राइट आंसर सी होगा। यहाँ पे देखिए हमारा जो है सूर्य ही हो गया, सूर्य, उसके बाद बुध होता है, फिर शुक्र होता है, और पृथ्वी और मंगल। तो भाई ये चार ग्रह जो है आंतरिक ग्रह आते हैं, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया और मार्स हो गया। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये भाई चारों जो हैं ये क्या हैं, आंतरिक ग्रह हैं। इसके बाद यहाँ से एक क्षुद्र ग्रहों की लाइनिंग खींची जाती है, उसको जो है उसके बाद क्या होता है भाई, हमारा बृहस्पति होता है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो भाई ये चारों जो ग्रह हैं इनको जो है बाह्य ग्रह कहा जाता है, इस चीज़ का ध्यान, आउटर ग्रह इनको कहा जाता है, आउटर प्लैनेट इनको कहा जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई दसवां प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी काल्पनिक रेखा खींची गई। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, भाई राइट आंसर इसका क्या है, तो यहाँ पे भाई मकर रेखा होती है, मैंने कल आपको बताया था। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी हो गई, बीच से जो है भूमध्य रेखा, नीचे जो है मकर रेखा 23.5 डिग्री पर यहाँ पर, और 23.5 डिग्री ऊपर जो है भाई कर्क रेखा हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दो रेखाएं होती, बीच में जो है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। चलो भाई फटाफट जाओ जी, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो
तो भाई मोटेरा की अगर बात की जाए तो ये जो है गुजरात में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, गुजरात अहमदाबाद में जो ये स्टेडियम बनाया गया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है क्रिकेट का सबसे बड़ा मैदान होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 12वां प्रश्न है, भारत का एकमात्र ज्वारी पत्तन बंदरगाह कौन सा है। चलो भाई फटाफट जाओ दीजिए, मज़ेदार प्रश्न है ये। इसका जवाब तो होना चाहिए सही सभी का भाई। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर है क्या है, तो कांडला जो बंदरगाह है गुजरात में, कांडला बंदरगाह। ये भाई जौहरी पत्तन बंदरगाह, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये हमारा जो है इस प्रकार से, यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप देखते होंगे कि ये गुजरात है, इसके बाद जो है इधर है, तो जो जौहरी पत्तन बंदरगाह है ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे है, और इसके बाद जो है क्या होता है, अरब सागर, हमारा इधर नीचे अरब सागर है, तो अरब सागर से जब ज्वार आता है, ठीक है, ज्वार जब आता है, जब लहरें उठती हैं बराबर इस प्रकार से, जब लहरें इस प्रकार से समुद्र की उठती हुई आती हैं, तो यहाँ पे नाव जो होती है, जो जहाज़ें बड़ी बड़ी होती हैं, उनको जो है माल भर के खड़ा कर दिया जाता है, और जब पानी वो ये ऊपर चढ़ता है, एक बार ज्वार के समय ऊपर चढ़ता है, और जब ये भाटा वो बनता है, जब ये पानी नीचे उतर तक खिसकता है, तो उसी के साथ नाव को जो है हम खिसका के लेकर चले जाते हैं, नाव को चला के हम उसी पानी के बहाव के साथ चले जाते हैं। तो भाई एक ही एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो इस प्रकार की कलाकारी से चलता है, इसका आपको ध्यान रखना। वहाँ पे मतलब सभी रोके रहते हैं, जैसे गया पानी इधर से घूमा, इधर से जब यहाँ तक तो पहुँचा, उसके बाद ये रिटर्न होगा, जब रिटर्न होता तो उसी के साथ ये भी चले आते हैं। तो भाई डी ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हुगली बंदरगाह की बात की जाए तो नदी बंदरगाह एकमात्र ही है, इसका आपको ध्यान, नदी बंदरगाह जो है हुगली वाला है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो भाई अगला प्रश्न क्या है, 13वां प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुई थी। तो भाई चतुर्थ बौद्ध संगत की अगर बात की जाए तो किसके शासनकाल में हुई थी, तो यहाँ पे भाई आपको मैंने कल ट्रिक बताई थी, ए के आजाद शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, तो कनिष्क इज द राइट ऑप्शन, इसका आपको ध्यान रखना है। कब हुई, तो प्रथम शताब्दी कह लीजिए आप, या तो 76 ईस्वी कह लीजिए, ठीक है, प्रथम शताब्दी, जब तक अशोक के पास नहीं पहुँचेगी तब तक तो शताब्दी में ही रहेगा, एक ही शताब्दी रहेगी, पहली शताब्दी, तो आपको दो चीज़ें मिल सकती हैं, या तो प्रथम शताब्दी रहेगा या तो 76वीं ईस्वी आपको दे सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। कहाँ पे हुई थी, तो कुंडल वन में। अगला प्रश्न आपके भाई सामने, निम्न में से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा। चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए इसका सभी लोग। तो वही यहाँ पे राइट आंसर है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कथकली कहाँ का, केरल का है, मोहिनीअट्टम भी केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 15वां प्रश्न, निम्न में से सबसे गहरा महासागर कौन सा है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, सभी क्वेश्चन जो है अपडेट होते जा रहे हैं आपके, अब क्वेश्चन का अब रिविजन चलेगा भाई। तो भाई यहाँ पे जो है निम्न में से सबसे गहरा बंदर महासागर कौन सा है, तो भाई प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है, सबसे बड़ा भी यही है भाई, इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो हमारे महासागर हैं सबसे बड़ा यही है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। चलो हुमायूं नामा जो है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी।
भाई राइट आंसर यहाँ पे क्या है भाई, तो गुलबदन बेगम के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान, गुलबदन बेगम के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी, जो कि उसकी लड़की थी। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 17वां प्रश्न, माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो भाई माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई कितनी, 8,850 मीटर है ना, जिसका भी 8,848, भाई सभी का गलत है। इस चीज़ का ध्यान रखना, 8,850 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इस चीज़ का ध्यान रखना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई आ रहा है, भारत का प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? चलो भाई फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जरूरी है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो क्वेश्चन ना आते होंगे उनको आप नोट डाउन रोज़ रोज़ करते जाइएगा, आपका एक बहुत बेहतर ही नोट्स तैयार होता चला जाएगा। नोट्स तो ऐसे बन गया होगा उधर से जब क्लास चल रही थी इसकी, अब तो ये टेस्ट चल रहा है, मॉडल पेपर बनाया जा रहा है इसका, है ना। तो भाई भारत का प्रथम जो लोकपाल किसे बनाया गया, तो पिनाकी चंद्र घोष को। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पिनाकी चंद्र घोष जो है प्रथम लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भाई आप लोग जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, कम से कम उन शहरों के और जो कुछ है विदेश में शहर हैं, प्रमुख शहर हैं, उनको भी आप पता कर लीजिएगा। सभी को याद रखिएगा कि कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो भाई अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो घाघरा है इसी का नाम जो है अयोध्या में आके क्या हो जाता है, सरयू हो जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई गंगा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, गोमती के किनारे जो बसे हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। नर्मदा कुछ हो गई, और जैसे कि शिप्रा नदी उज्जैन हो गया, तो काफ़ी जो नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं उनके किनारे जो बसे हुए महत्वपूर्ण शहर हैं उनको आपको याद जरूर रखना है। अगला प्रश्न भाई आपके सामने क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? चलो भाई मदर टेरेसा बनी, जो कि एक विदेशी महिला थी। मदर टेरेसा सबसे पहले बनी थी, लेकिन ये जो है भारत की रहने वाली मूल निवासी यहाँ की नहीं थी, इनको जो है बाद में भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई थी। तो भाई मदर टेरेसा के बाद किसको दिया गया, तो सरोजनी नायडू को। ये जो सौभाग्य दिया गया किसको दिया गया, सरोजनी नायडू को। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कानपुर की जो है ये वहाँ पर बनी थी। 1942 में जो अधिवेशन था उसकी जो अध्यक्ष यहाँ पर बनी थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा भाई, निम्न में से किस वर्ष संपूर्ण भारत में GST लगाया गया था? चलो भाई कल मैंने जो है नोटबंदी का लिया था, तो आज मैंने GST का ले लिया। सभी चीज़ें जो है जुड़ी हुई एक दूसरे से रखना है, क्योंकि तभी तो मज़ा आएगा ना। भाई राइट आंसर क्या है यहाँ पे, राइट आंसर है 2017 में जो है GST को लागू किया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 1 जुलाई 2017 वो तिथि थी जब जो है GST को लगाया गया था, ग्रॉस डोमेस्टिक टैक्स, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक टैक्स जो है इसको लगाया था। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 22वां प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? मैंने आगे शायद नाम इनका बता भी दिया है। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने क्या बताया था। तो
भाई क्या बताया था, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे, और कल्पना चावला भाई प्रथम महिला थी, लेकिन ये रिटर्न नहीं आ पाई थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था इनका विमान जो, इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 23वां प्रश्न, निम्न में से चाणक्य किसके प्रधानमंत्री, चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए, चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे। तो भाई प्रधानमंत्री और सलाहकार जो चाणक्य थे किसके थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 24वां प्रश्न, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है। चलो भाई मस्त क्वेश्चन है भाई, अपना क्वेश्चन आप लोग ज़रूर मिला करिए, जो आप ऑप्शन करते हैं टिक वो सही है या नहीं सही है, उसके बाद जो है जो प्रश्न आपको ना पता हो उसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा, जो याद है उसको नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको क्या कहा गया, निर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में जो है एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, निर्वाण की प्राप्ति करना, यानी ज्ञान की प्राप्ति करना। इस चीज़ का आपको निर्वाण की मतलब क्या होता है, दीपक का बुझ जाना, इसका मतलब यही होता है दीपक का बुझ जाना, यानी सारे जो मोह माया है संसार को त्याग देना। तो निर्वाण यहाँ पे होता है महापरिनिर्वाण, यानी मृत्यु जो हो जाती है। महाभिनिष्क्रमण की अगर बात की जाए तो भाई क्या होता है, जब वो घर से आप निकल जाते हैं, घर को आप छोड़ देते हैं। और धर्म चक्र प्रवर्तन की बात की जाए तो जो गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया, तो उसको जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 25वां प्रश्न, जो कि आखिरी प्रश्न आपका है, तो डोवर जल संधि किसे जोड़ती है। चलो भाई तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की बात की, डोवर जल संधि किसे जोड़ती थी, इंग्लैंड और फ्रांस को ये जो है जोड़ती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो भाई चार्ल्स द्वितीय और लुई सुलामा के मध्य जो एक समझौता हुआ था, तो उसके तहत जो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य जो है एक जल संधि का निर्माण किया गया, एक जल संधि का निर्धारण किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, डोवर जल संधि। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो भाई आपका जो कल का प्रश्न था उसका क्या जवाब है, इंडोनेशिया की जो मुद्रा थी क्या है भाई, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, इंडोनेशिया, अच्छा अलग अलग है, इंडोनेशिया, जकार्ता, रूफिया, यहाँ पर चलती है भाई रूफिया, यहाँ पर मुद्रा चलती है, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने भाई क्या है, आज का जो प्रश्न है अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, इसका आप लोग को क्या करना है, कमेंट करके जवाब देना है, कमेंट करके जवाब देना है। और भाई वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको पास लेटेस्ट वीडियो पहुंचे, और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबाएं। तो वही मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। ओके बाय, टेक केयर, और अपनी पढ़ाई को जो है और स्ट्रांग बनाइए, मेहनत 4 गुना करिए, मैं यही कहूँगा। कोई समस्या होती है उसको आप कमेंट करके हमें बताएं, और अगर ज़्यादा समस्या तो भाई 9170788 397 पे व्हाट्सअप कर दें, ठीक है। ओके क्लास को ओवर करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।